ये देखिए ऑयल वगैरह लीक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये घिस चुके हैं। साफ करके थोड़ा बहुत फिर कलर मारते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब आप आए सब बढ़िया हो? तो फिर साथ में अपने बाइक के डम रबर चेंज करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है मेरी बाइक में, क्या है कि डम रबर ख़राब हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए मैं अपने बाइक के डम रबर लाया हूँ। इस पर MRP 123 रुपये, तो मैंने 123 रुपये दिए, कुछ भी कम नहीं। तो मेरी बाइक में ऐसी आवाज़ आ रही है, देखिए। तो ये डम रबर ख़राब हो गए, तो डम रबर चेंज कराएँगे। चलिए अब चलते हैं मैकेनिक पास और चेंज करवाते हैं। अब चलिए सीधा वहीं मिलते हैं। मैकेनिक के यहाँ आ गया हूँ, तो ये गाड़ी लेके जा रहे नीचे बेसमेंट में ठीक करने के लिए। मेरे के शॉकर भी लेके आगे वाला, तो उसको ठीक करवाएंगे। नीचे उतार दिए फ्रेंड्स, हमारी बाइक नीचे आ गई, आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये शॉकर ख़राब हो चुका, ये देखिए ऑयल वगैरह लीक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये चेंज होएगा। तो हम डम रबड़ भी डालेंगे, तो ये खोलने की तैयारी शुरू है। ये फ्रेंड्स, ये मेन बोल्ट खोल दो इसके पीछे का, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये आपके सामने टायर है, हमने निकाल लिया था। तो हमने कुछ ही जुगाड़ किया था उस समय, ये देख सकते हो, ये ट्यूब लगा के जुगाड़ किया था उसमें, कि ये चाल आ गई थी ना, ये दिखाता हूँ आपको निकाल के। ये देखिए ये घिस चुके हैं रबर, ये दिख रहे ना, ये घिस गए ऐसे। आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ और रबर, ये देखिए सारा रबड़ ऐसे ख़राब हो गया। तो हमने इनमें क्या गैप भरने के लिए, जो इसमें गैप है ना उसको कम करने के लिए हमने ये ट्यूब लगाई थी काट के, तो ये सक्सेस हुई नहीं। चलिए अब लगाते हैं नए रबड़। ये फ्रेंड्स हमने ड्रम रबड़ लगा दिए इसमें, ये देख सकते हो, इसलिए आराम से आपको कोई फ्रिक नहीं है। मैं आपको एक बार लगा के चेक कराता हूँ, फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ लगा के। ये देखिए एकदम टाइट है, उसमें चाल थी इसलिए हिला था। ये देखिए एकदम फिट हो चुका है, एकदम फिट, मतलब 1% चाल नहीं है, देख सकते हो आप फिट हो गया। चलिए इसे फिट करते हैं, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे हम हल्का सा ब्रेक लगाते हैं ना तो आवाज़ करते हैं, तो उसमें उसमें क्या है, घिसाई कर रहे हो उसे ड्रम की, घिसाई कर रहे हो जो इसमें आवाज़ ना आ बस। तो ये काम कंप्लीट करते हैं, टायर को फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कम्प्लीट होने पर। फ्रेंड्स हमारा टायर लग के रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले जैसी ये आवाज़, ये देख लीजिए एक बार गेम में लगाइए। ये देखिए फ्रेंड्स आवाज़ नहीं आ रही, पहले आवाज़ करी थी ना वो नहीं है, इसमें हो गया एकदम ठीक। देख सकते हो हमारा टायर पीछे का कंप्लीट हो गया लग के। अब हम आकर का शॉकर खोल रहे, ये देख लीजिए इस सेंटर बोल्ट खोल लिया, ये फ्रेंड्स हमें ऊपर का बोल्ट खोल रही है, ये वाला आप देख सकते हो, ऐसे ही हम नीचे का बोल्ट खोलेंगे इसका, ये देख सकते हो शॉकर का, इसको लूज कर दिया है। अब फ्रेंड्स उसके बगल में छोटा वाला बोल्ट है, उसको भी लूज कर लिया है, और ये हमारा शॉकर बाहर निकल चुका है, आप देख सकते हो ये पूरा निकल गया है। अभी ऊपर का बोल्ट खोलेंगे और ऑयल निकाल के इसको साफ़ करेंगे क्लीन, तो आपको पूरा क्लीन करके बताता हूँ मैं। आप देख सकते हो हमने शॉकर खोल लिया है, तो वो वहाँ पे देखिए ये जो ऑयल है उसको वो निकालने के लिए रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसा सफ़ेद सफ़ेद क्यों हो रहा है, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उस समय बेल्ट करवाया था, ये टूट गया था। तो अभी हम स्प्रे करेंगे वापस से ब्लैक से, जैसे पहले खोल के साफ़ कर लेते अच्छी तरह। तो कुछ ऐसा जुगाड़ होता है, उसमें लगा के एलिंकी डाल के इसको खोलेंगे, पहले से एलिंकी को ठोकेंगे हल्का फुल्का, ये फिक्स हो जाए जी निकलेंगे।
जैसे होता है। अभी एलन की लगेगी, ये इजीली खुल गया। ठोकने से क्या प्रेशर पड़ता है तो आराम से एलिंग की लूज हो जाती है। ये बोल्ट, ये है हमारी चूड़ी, बाकी आई थी इसकी, ये खुल गया। आप देख सकते हैं ये हमारे शोकर के दो हिस्से हो गए। देख सकते हो ये एक्सीडेंट होने से टूट गया था तो हमने इसे बेल्ट करवाया था। अब स्प्रे करके एकदम से सही कर लेंगे। ये इसकी स्प्रिंग निकल गई लॉक। ये इसकी सील होती है ना? हाँ ये इसकी सील है, इसकी सील निकल गई। ये हो गया तो अब हम इसके साफ करके थोड़ा बहुत फिर कलर मारते हैं। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो ये ब्लैक स्प्रे कर दिया है और कुछ इस तरह का दिख रहा है। स्प्रे करने है, अब लग नहीं रहा इसमें कोई डैमेज वगैरह कहीं पे, ये हो रखा था एकदम ब्लैक कर दिया ना स्प्रे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक मिनट आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ कि देख लीजिए, ब्लैक स्प्रे कर दिया है, कहीं से लग नहीं रहा कि डैमेज हो रहा। स्प्रे किया तो करीब 10 मिनट हो गई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हल्की फुल्की चिपचिपा लग रहा है, 10-15 मिनट और इसे सूखने देते हैं। फिर सूखने के बाद इसको कंप्लीट करके बाइक में फिट करते हैं, तो पहले से सूखने का वेट करते हैं। शोकर रेडी हो चुका है, इसमें ऑयल वगैरह सबको डाल दिया, बस फिट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स वो ऊपर वाला नट उसे एकदम फिक्स करेंगे, टाइट करेंगे, फिर से जो खुले नहीं। ये देखो, ओ रहने दे भाई, बस हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा टायर फिक्स हो गया, बस ऊपर के वो दो बोल्ट और ऊपर का 12 नंबर को टाइट करना पड़ेगा। अब ये तो छोटे हैं। अब इसका कवर कहाँ है? इसका कवर है ये ऊपर से कस दिया। ये हमारे लिंक के लग चुका है, ये डेबरी है। तो फ्रेंड्स वो क्या है, ये मेरा बोल्ट फ्री है तो उसके पीछे डेबरी लगा के हम इसे टाइट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स हमारी बाइक ये रेडी हो गई, आप देख सकते हो कंप्लीट हो गई एक तरीके से। हमने ड्रम रबड़ भी लगवा लिया और शोकर भी रिपेयर करा लिया, आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और हाँ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।